एक को हम इंडिविजुअल लेबर लॉ कहते हैं दूसरे को कलेक्टिव लेबर लॉ कहते हैं जब मामला सिर्फ एक एम्प्लॉ और एक एम्प्लॉयर के दरमियान है यानी एक वर्कमैन और एम्प्लॉयर के दरमियान है तो उसको इंडिविजुअल लेबर लॉ डील करेगा और जब वर्कमैन वर्सेस एम्प्लॉयर हो तो उसको कलेक्टिव लेबर लॉ डील करेगा तो लेबर लॉ दो तरह के सॉल्यूशंस देता है एक इंडिविजुअल वर्कमैन वर्सेस एम्प्लॉयर के रिलेशन में और दूसरा वर्कमैन और एम्प्लॉयर के रिलेशन में यानी बहुत सारे वर्कर्स का इशू एक ही जिस्त में तय हो जाता है कलेक्टिव लेबर लॉ में और उसमें कलेक्टिव बारगेनिंग वगैरह होती है माय डियर स्टूडेंट्स वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो माशरे में होती है तो जिनके पास सरमाया है जिनके पास लेबर है जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लैंड है वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और डिस्प्यूट्स जन्म लेते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वर्कमैन है जिन्हें लेबरर कहा जाता है वो एम्प्लॉयर के साथ डिस्प्यूट में आ जाते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम नहीं करेगा कोई भी वर्कमैन काम नहीं करेगा इसको राइट टू स्ट्राइक का नाम दिया जाता है सवाल यह पैदा होता है कि यह क्या फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट right जो है वो तो वो राइट right है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट एट ऑल अ फंडामेंटल राइट स्ट्राइक लीगल भी हो सकती है या भी हो सकती है इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है लेबर से रिलेटेड जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट वगैरह हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है इंप्लाइज ओल्ड एज बेनिफिट लॉज हैं डॉक लॉज हैं इस तरह के और सारे बहुत सारे लॉज हैं वो प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है उसमें लॉज हैं। स्ट्राइक क्या सही है या गलत है ये वो लॉज डिटरमिन करेंगे उनके पैरामीटर्स डिटरमिन करेंगे अगर स्ट्राइक पब्लिक ऑर्डर को क्वेश्चन कर रही है तो नेचुरली वो इलीगल स्ट्राइक होगी अगर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो नेचुरली वो लीगल स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक करने की भी कोई सिविलाइजेशन होनी चाहिए तो लॉज वो सिविलाइजेशन देते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है ये वर्कमैन इकट्ठे होकर ट्रेड यूनियंस बनाते हैं और उसमें से फिर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट अपॉइंट किया जाते हैं कि ये जो है ये सबके बिहाफ पे एम्प्लॉयर employer या एम्प्लॉयर्स के साथ डील करेंगे और एक बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक करेंगे डेफिनेशन ऑफ सीबीए एज पर सेक्शन टू Of the Industrial Relations Act Ordinance 1969. Dear students, collective bargaining agent in relation to an establishment or industry means the trade union of workmen, which under Section 22 is the agent of the workman in the establishment or as the case may be, industry in the matter of collective bargaining. तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट वी हैव टू लॉज इंडिविजुअल लेबर लॉज एंड कलेक्टिव लेबर लॉज कलेक्टिव लेबर लॉज में जब वर्कमैन कलेक्टिवली एम्प्लॉयर्स के साथ डील करें और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करें तो वहां पर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट का रोल सामने आता है चलते चलते यहां पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से ये पूछ सकती है कि आपको फंडिंग कहां से हो रही है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सॉवरनिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रही हैं गवर्नमेंट उनसे पूछ सकती है कि ये जो पैसे हैं वो उनके पास कहां से आए हैं Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.